चतरा जिले के हंटरगंज थाना क्षेत्र के पांडेपुरा के कर्मा गांव स्थित तालाब से एक महिला के साथ दुधमुही बच्ची का शव बरामद हुआ, जिससे क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान गांव के ही रंजीत यादव की पत्नी संचू देवी व उसकी एक वर्षीय बेटी प्रियांशु के रूप में की गई है। हालांकि दबी जुबान से लोग इस मामले को दहेज हत्या का मामला बता रहे हैं। इधर इस घटना से आक्रोशित ग्रामीणों ने पांडेपुरा प्रतापपुर सड़क को जाम कर दिया। मौके पर पहुंचे SDPO अविनाश कुमार ने ग्रामीणों को समझा बुझाकर जाम को हटाया और शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए सदर अस्पताल चतरा भेज दिया है। मृतका के पिता प्रतापपुर घोड़ दौड़ गांव के महंगू यादव ने बताया है कि 2 वर्ष पूर्व उनकी बेटी की शादी रंजीत यादव से हुई थी। शादी के बाद लगातार दहेज के लिए उसे प्रताड़ित किया जा रहा था। घटना से एक दिन पूर्व मृतका ने पति, ससुर व सास के द्वारा बेरहमी से मारपीट करने की बात बताई थी। वहीं दूसरे दिन घटना की जानकारी मायके वालों को मिली। मृतका के पिता ने बताया है कि इससे पूर्व भी कई बार मारपीट कर घायल कर दिया गया था उसे, जिसके बाद पंचायत के पहल के बाद संजू को ससुराल भेजा गया था। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है और दोषियों के धरपकड़ में पुलिस जुटी हुई है। वहीं घटना के बाद से मायके वाले फरार बताए जा रहे हैं। आज के दिन दामाद और दामाद के बाप माय तीनों बिन के हत्या कर देना हमार बेटी और नतनी के फांसी देख के तिनक के दहेज आओ खोज के कारण नातनी के उठा के पटक के मार दंदक और बेटी के नरोटी चाप के गंदा दबा के मार देना तीनों में इनके कारमा गांव में हमार बेटी के ससुराल रहा। 2 साल पहले अपन सा बच्चा के ऑपरेशन से बच्चा हुए ना। दहेज के बारे में मारपीट हमेशा बेटी के करते जाए थे और समझौते के जाए थे बाबू दे बाबू ये बाकी हो मत है। थाना क्षेत्र के पांडेपुरा पंचायत के कर्मा गांव में एक नदी किनारे एक विवाहिता का शव और उसके बच्चे का शव मिला। ये जानकारी ग्रामीणों ने दी और इसे फिर ससुराल वाले विवाहिता के मायके सूचना दिया गया और ससुराल वाले ने यहाँ आकर विवाहिता के पिता आकर और सूचना पुलिस को दी और देने के बाद पुलिस प्रशासन यहाँ आई है और छानबीन कर रही है। इसे बताया जा रहा है, लोगों का कहना है कि ये घटना दहेज के लिए प्रताड़ित करके जान से मार दिया गया। ये हंटरगंज थाना अंतर्गत कर्मा गांव है। कर्मा गांव में आज सुबह सुबह पुलिस को सूचना मिली कि एक महिला और उसकी बच्ची की हत्या करके नदी किनारे फेंका गया है। सूचना के सत्यापित करते हुए थाना प्रभारी अपने दलबल के साथ वहां गए। सूचना सही प्राप्त हुई है। संजू देवी नाम की महिला जिसकी उम्र लगभग 25 साल और उसकी 1 साल की बेटी दोनों की प्रथम दृष्टया गला दबाकर हत्या करने का मामला प्रकाश में आया है। घर के सारे लोग फरार हैं, उसमें से संजू देवी मृतिका है, उनके जो ससुर हैं उनको गिरफ्तार किया गया है और अभी प्रोसेस में है। हम लोग जल्द ही जो उनके पति है और जिन पर भी आरोप है जो भी हैं उन लोगों को जल्द ही गिरफ्तार करके कानून के सलाखों के पीछे लाया जाएगा।